जी हाँ दोस्तों, हम आपके सामने, मैं निशित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज एसोसिएटेड विथ मैट्रिक्स इमिग्रेशंस, आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ बहुत ही अच्छी और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके क्यूबेक स्टूडेंट्स की। जी हाँ दोस्तों, लगातार लास्ट वन ईयर से ये प्रॉब्लम चल रहा था कि क्यूबेक में बच्चों ने फाइल रखी हो, उसके बाद तकरीबन 8-9 कॉलेजेस की ऑडिट हुई वहाँ पर, उनकी अकाउंट क्रेडिटेबिलिटी चेक करी, उसके हिसाब से बहुत से बच्चों की CAQ अटक गए, बहुत से बच्चों को कॉलेजेस ने मना कर दिया, या फिर बहुत से बच्चों को कॉलेजेस ने बोला कि आप अपनी फी दूसरी कॉलेज में ट्रांसफ़र कीजिए, और तकरीबन 20,000 से 25,000 बच्चों का पूरा कैरियर खतरे में आ गया था। लेकिन अभी ही फिलहाल कैनेडियन हाई कमीशन में से उन सारे स्टूडेंट्स को जिनकी प्रोफाइल उनको अच्छी लगती है, उनको उन्होंने एक लेटर भेजना चालू किया है। जी हाँ दोस्तों, वो लोग क्वेरी रेफरेंस, या फिर आप उसको समझ सकते हो कि कोई एक चेकलिस्ट नया लेटर वो लोग स्टूडेंट से मांगते हैं। तो वो लोग क्या मांगते हैं रिक्वेस्ट लेटर में? जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी फाइल क्यूबेक में रखी है तो आप अपने एजेंट के पास तुरंत जाइए और उनको GC की, जी हाँ दोस्तों, GC की आपकी ओपन करने के लिए बोले। वहाँ पर एक मैसेज आया होगा और वो लोगों ने आपके साथ में एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वो लोग मांगते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स वो लोग कौन तरीके से मांगते हैं? जनरली क्यूबेक वाले स्टूडेंट्स को हाई कमीशंस, कैनेडियन हाई कमीशंस, तीन तरीके के डॉक्यूमेंट मांगती है। जैसे उन्होंने मांगते हैं अपडेट स्टडी प्लानिंग आउटलाइन विद द पर्पस ऑफ स्टडी, तो ये क्या रहेगा? ये रहेगा आपका SOP। बहुत से एजेंट या स्टूडेंट को मालूम नहीं होता है, हमको पूछते हैं फ़ोन करके कि निशित भाई इसका मतलब समझाइए, हमारी फाइल दूसरे एजेंट के यहाँ चल रही है लेकिन वो एजेंट भी हमको गाइड नहीं कर पा रहा है, तो आप समझाइए, तो हमको क्या देना है? मतलब ये चीज़ अगर आपके लेटर में लिखी हो, अपडेट स्टडी प्लान आउटलाइन द पर्पस ऑफ योर स्टडीज, मतलब आपका SOP, आपने उसमें क्या लिखना है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने अभी तक पढ़ाई किया और ये जो आप फ्यूचर कोर्स क्यूबेक में करना चाहते हो या फिर आप कर रहे हो ऑनलाइन, तो उस पर आपको क्या नॉलेज मिला, ठीक है, वो सारी चीज आप इसके अंदर कवर होगी। सेकंड, वो लोग मांग रहे कन्फर्मेशंस ऑफ हु इज फंडिंग योर स्टडीज इन कैनेडा एंड देन रिलेशनशिप टू यू एंड द प्रूफ ऑफ देयर इनकम फंड्स एटलीस्ट 6 मंथ। यानी इसमें चार चीजें मांगी गई आपसे दोस्तों। पहली चीज मांगी गई, आपको फंडिंग कौन कर रहा है, आपके पेरेंट्स में फादर कर रहे हैं या मदर कर रहे हैं, वो क्लीन होना चाहिए। साथ में आपके साथ में उसका जो रिलेशनशिप है, मतलब आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट या उनका बर्थ सर्टिफिकेट, उनकी पासपोर्ट कॉपी अटैच कीजिए इसके साथ, ये साबित हो जाएगा कि आपका फैमिली मेंबर ही क्लोज आपको सपोर्ट कर रहा है, या आपका चाचा या रिश्तेदार कर रहा है, तो उनकी भी आप ID प्रूफ लगाइए इसके अंदर। साथ में आप प्रूफ का फंडिंग डालिए, उनका इनकम टैक्स रिटर्न डालिए इसके अंदर, ये लोगों ने मांगा है। साथ में ये भी मांगा है कि 6 मंथ ओल्ड उनका फाइनेंशियल क्रेडिटेबिलिटी क्या है कोरोना में 6 मंथ। जी हाँ दोस्तों, 6 मंथ के जगह पर आप 1 साल का भी दे सकते हो, तो उन्होंने ये मांगा है आपसे उनके 1 साल का बैंक बैलेंस क्या रहेगा, उनका FDs में क्या है, अगर 1 साल के दौरान उन्होंने कोई प्रॉपर्टीज बाई की है वो आप उनको दिखा सकते हो, यानी उनका फाइनेंशियल, उनका शेयर मार्केट में काम किया है वो दिखा सकते हो, ऐसे वैरायटी ऑफ फंड्स आप उनको प्रूफ चाहिए उनको लेटेस्ट तारीख तक का। फिर उन्होंने मांगा है कंफर्मेशन ऑफ योर ऑफ वेदर यू आर और हैव यू रिप्रेजेंटेड ऑफ आइदर बाय, मतलब आप खुद ही फाइल, अभी जो आपकी फाइल चल रही है वो आप खुद ही कर रहे हो या फिर कोई एजेंट से कर रहे हो, तो अगर वो एजेंट आपका कंटिन्यू है, ठीक है, आप चाहते हो कि वो फाइल वही एजेंट आपका आगे भी हाई कमीशन में सबमिट करे, तो हाई कमीशन ने वो आपका एजेंट ऑथोराइजेशन फिर से मांगा है। अगर आप चाहते हो कि वो एजेंट आपका आगे का कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, तो इस लेवल पे आप नए एजेंट की डिटेल डाल सकते हो और फिर हाई कमीशन पूरा उसका कम्युनिकेशंस नए एजेंट के साथ करेगी। तो ये सारी चीज़ जनरली 90% स्टूडेंट से मांगी गई है। अगर आपने क्यूबेक में फाइल रखी है और आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, फिर भी आप अपने GC की ओपन करके देख सकते हो, अपने एजेंट को बोल सकते हो, या फिर आप कॉलेज से भी वो चीज़ इंक्वायर कर सकते हो, और आगे जाके अगर वो जवाब नहीं मिलता है तो आप केयर इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज की टीम को भी कम्युनिकेट कर सकते हो। तो क्यूबेक वाले बच्चों के लिए शायद जल्दी से जल्दी बहुत ही अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ऐसे अपडेट रिसेंटली न्यूज़ देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।